दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्व फ्लेमिंगो बुक का पहला पोयम माय मदर एट सिक्सटी सिक्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन है हु इज द पॉइंट ऑफ माय मदर एट सिक्स माई मदर एट सिक्स का पॉइंट कौन है ऑप्शन है कमला दास जॉन किट्स स्टीफन स्पैंडर रोबर्ट फ्रॉस्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है कमला दास नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सी बिसाइड हर उसके बगल में कौन बैठी रहती है ऑप्शन है हर फ्रेंड हर सिस्टर हर ग्रैंड मदर हर मदर इस क्वेश्चन का सही जवाब है हर मदर उसकी मां नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड हिज हर मदर उसकी माँ कितने साल की हो गई है ऑप्शन है सिक्सटी ईयर्स सेवेंटी ईयर्स नाइन्टी ईयर्स सिक्सटी सिक्स ईयर्स इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिक्सटी सिक्स ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वेर इज द पॉइंट गोइंग टू कहां पे जा रही थी ऑप्शन है दिल्ली एयरपोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट कोचिन एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है कोचिन एयरपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड पेन एंड द एक्ट फील? किस तरह का दर्द उस कभी को महसूस होता है ऑप्शन है अबाउट लॉसिंग हर मदर अबाउट लॉसिंग हर जॉब अबाउट लॉसिंग हर लाइफ नॉन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब है अबाउट लॉसिंग हर मदर उसे अपनी मां को खोने का दुख और दर्द होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द पॉइट चाइल्डहुड फियर कभी का बचपन की डर क्या थी ऑप्शन है लॉसिंग हर फ्रेंड्स फॉर इवर लॉसिंग हर फादर फॉर इवर लॉसिंग हर स्कूल लाइफ लॉसिंग हर मदर फॉर इवर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लॉसिंग हर मदर फॉर इवर उसे डर था कहीं उसकी माँ हमेशा के लिए उससे बिछड़ ना जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द ट्री सीम्स रनिंग पेड़ पौधे दौड़ते हुए क्यों दिखाई देते हैं ऑप्शन कभी एक रनिंग कार पे थी बिकॉज द पॉइंट वॉज रनिंग क्योंकि कभी दौड़ रही थी बिकॉज द पॉइंट वॉज राइडिंग स्कूटी क्योंकि कभी खुद ही स्कूटी को टैब कर रही थी नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन एफ डीज इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिकॉज द पॉइंट वास इन रनिंग कार नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोइटिक डिवाइस हैज बीन यूज इन द लाइन हाउ फेज एसन लाइक दैट हाउ फेज एसन लाइक दैट इस लाइन पे कौन से पोइटिक डिवाइस को यूज किया गया है ऑप्शन है मेटाफो सिमली एलिट्रेशन परसोनिफिकेशन इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिमली नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइटिक डिवाइस यूज इन द लाइन लाइक दैट ऑफ ए कॉब्स लाइक दैट ऑफ ए कॉब्स में कौन से पोइटिक डिवाइस को यूज किया गया है ऑप्शंस हैं सिमली एलिट्रेशन पर्सोनिफिकेशन दिस इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिमली नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉइटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इस लाइन में कौन से पॉइटिक डिवाइस को यूज किया गया है सिमली एलिट्रेशन रिपीटेशन

इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है. सी सी अम्मा? All I said was, soon, अम्मा? इस लाइन पे कौन से पोइटिक डिवाइस को यूज किया गया है ऑप्शन है एलिट्रेशन पर्सोनिफिकेशन सिमली मेडो यहां पर एस साउंड से तीन वर्ड आया है सेड सी

नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हर मदर डूइंग इन द कार डोजिंग ओपन माउथ टॉकिंग विद डॉटर लुकिंग आउटसाइड इन द कार नॉन ऑफ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डोजिंग ओपन माउथ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डिट सी मदर एट लास्ट मोमेंट इन एयरपोर्ट कभी जब एयरपोर्ट पहुंच जाती है और जब वो एयरपोर्ट के अंदर जाने वाली होती है तो आखिरी क्षण में अपनी मम्मी से क्या कहती है ऑप्शन हैं सी यू सुन अम्मा टेक केयर गुड बाय ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी यू सुन अम्मा हम फिर मिलेंगे